राम विषय में शब्द हाथ काट कर रख दूंगा अगर ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है अगर राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जगाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना न कर पाओगे, अरे शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध से भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसके छाव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा। बनना होगा ये सब वह भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा, तो बताओ अरे पता है तुमको क्या है राम? या हाथ धनुष तरकस में बाण, या बन्म जिन्होंने किया गुजारा, या कैसे रावण मारा? लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, फिर तो यह वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आके हम बताए? या तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, या तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। अरे पल पल हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और पाकर खोना भी है राम। काम बुद्ध ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्षो रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेष नाखुन लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोग काम क्रोध छल कप अहंकार सीने से लगा के सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं, और शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, और इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, पर लहराना सबको होता है, भगवा क्या है वही जाने जो भगवा ओढ़ है सोता है। राम से मिलना राम से मिलना राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। अवधपुरी का उत्सव था, सबने खूब मनाया, कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे राम आए हैं, जय सियाराम। और हाँ, हमें भी अयोध्या आना। मैं सनातन धर्म की योद्धा आद्याबा जाडेजा, भारत संतों की भूमि है, इसलिए तो कहते हैं कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। हिमालय मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करगनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाए है, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पखारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं, यह वंदन की भूमि है अभिनंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है अभिनंदन की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी यदि गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगा कर सुनेगा तो केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।